अगेन बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि वो ऑनेस्ट तरीके से बॉलिंग करता है और ईमानदार क्रिकेटर है, मुल्क के लिए जान देता है, खून डोलता है अपना। सो क्या बात है बुमराह की, बुम बुम बुमराह, उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बुम बुम बुमराह एक तरफ। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। पास जो है पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो है वो बैडमिंटन, इंटरनेशनल जो है वो बैडमिंटन प्लेयर हमारे साथ, मुझे बात करती क्या कहेंगी मैम, इंडिया जो है वो नंबर वन पे जो है वो राज कर रहा है, बॉलिंग में बात करें, फील्डिंग में बात करें, बैट्समैन में बात करें, कैप्टन की बात करें, जसप्रीत बुमराह के बारे में आप क्या कहेंगे? बुमराह के लेवल का कोई बॉलर नहीं है, बुमराह के लेवल का कोई बॉलर नहीं है। जसप्रीत बुमराह वो तीनों फॉर्मेट का लेजेंड है, नाट के, वनडे, टेस्ट, वो तीनों फॉर्मेट का लेजेंड है, वो तीनों फॉर्मेट में मैच विनर है, वो तीनों फॉर्मेट में एक तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है। ये के बाद आप बुमराह देखें तो मतलब बुमराह तो पिच बिल्कुल साइड पे ही कर देते हैं, जब उनको पिच से कुछ नहीं मिल रहा होता वो जो है ना एयर के अंदर ही बैट्समैन को डिसीव कर देते हैं, नए बॉल पे अंदर बॉल आते हैं, नए बॉल पे उस एंगल से जब वाइड ऑफ द क्रीज वो जाके बॉल करते हैं तो बैट्समैन को फिर ऐसे ही लग रहा होता है कि बॉल अंदर आएगा, लेकिन वो बॉल ऐसा, वो रिस्क उनका लगता है कि बॉल पिच पे लग के सीधा रह जाता है, तो ये उनका एक स्टॉक बॉल है। मैं कहती हूँ कि उसकी बॉलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और उसकी बॉलिंग है भी बहुत 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 फास्ट है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, इस वजह से मैं भी के उसके आगे कोई भी नहीं चल पा रहा, कोई टिक पा नहीं रहा, तो दैट्स द रीजन। बुमराह एक बड़ा जबरदस्त बॉलर है और वो डिजर्व भी करता रहा, जिस तरह का बुमराह बॉलर है वो यही पोजीशन डिजर्व करता है, और देख आपको तो पता ही है भाई उसको छक्का मारना बड़ा मुश्किल है, उसको 20 स्कोर बड़ी मुश्किल से पड़ता है कभी, शायद मेरा ख्याल है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि उसको 20 स्कोर लास्ट टाइम कब पड़ा होगा। ये पाकिस्तानी भी मानोगे कि बुमराह ग्रेटेस्ट है, ये मानोगे आपके यार बुमराह एक डिफरेंट क्लास का बॉलर है, उसके आसपास नहीं आया, नहीं आता कोई भी नहीं आता। कह सकते हैं कि इस टाइम जो है क्रिकेट की दुनिया के अंदर सबसे डेंजरस जो है वो जसप्रीत बुमराह है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो बहुत डेंजरस है। मैं कहती हूँ कि भाई उसकी बॉलिंग आई थिंक स्पिन फास्ट और उसकी बहुत ही सर्विंग उसकी बहुत अच्छी है, तो मैं उसकी फैन उसकी बॉलिंग की। अच्छा, उसकी फैन जी 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 मैंने देखा है, वो पैड में मारता है, बॉडी में वो कोशिश करता है, वो ज्यादा ज्यादा बॉल को मारता है, वखियों में वो बॉल मारता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रीजन है कि उसको स्कोर कम से कम पड़ता है, उसकी लाइन और लेंथ जो है ना बुमराह की वो बहुत शानदार है। यार इस टाइम बुमराह जैसा बॉलर पूरी दुनिया में नहीं है, जिस लेवल की बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं भाई साहब हर कोई उनका फैन बना हुआ है, वो किसी भी कंट्री में हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो या पाकिस्तान हो, क्योंकि आप देख सकते हो किसी को याद भी नहीं होगा कि लास्ट टाइम बुमराह को किसने छक्का मारा था, वही देख सकते हो अभी मिशेल स्टार्क को कितनी बुरी तरह पेला, लुईस स्टेन ने 4 छक्के मारे एक ही ओवर में, ऐसा कोई बुमराह को मार सकता है? नहीं। वहीं पे 77 और वसी अकरम बोलने लग गए कि यार बुमराह जैसा लेवल का बॉलर इस टाइम पूरी दुनिया में नहीं है, जिस तरह की बुमराह बॉलिंग करते हैं हर फॉर्मेट में, T20, वनडे और टेस्ट में हर तरह का हुनर है बुमराह के पास, किस तरह से विकेट लेनी है, कब विकेट लेनी है, उनको सब पता है, रीड कर लेते हो पिच को कि कहां मुझे बॉल करनी है, यही होती है एक बड़े बॉलर की पहचान। आज देख सकते हो पाकिस्तान का बच्चा भी बुमराह बनना चाहता है, उसका एक्शन कॉपी करते हैं बुमराह के, क्योंकि सबको बुमराह बनना है। जहां एक टाइम कंपेयर करते थे नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी की बुमराह से, इनकी तो औकात भी नहीं है बुमराह के पास पहुंचने की, ये सिर्फ T20 खेल खेल के, छोटी छोटी टीम के खिलाफ खेल खेल के अपना को बड़ा बॉलर समझते थे। वसीम अकरम ने भी इनको लताड़ लगाई थी कि यार ये 4 ओवर करा के अपना को बड़ा बॉलर समझते है। असली बॉलर की पहचान तो टेस्ट मैच में पता चलती है, जब बड़ी बड़ी टीमें आती वहां पर, वहाँ ये कुछ नहीं कर पाते और कंपेयर करते हैं बुमराह से, इसलिए वो ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बना है, और जिस तरह से बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट में, इससे बेस्ट बॉलर कोई नहीं है भाई साहब, अलग ही लेवल की बॉलिंग हो रही है बुमराह की तरफ से। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। और भाई जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली जो इस टाइम दुनिया के ऊपर जो है बॉलिंग के अंदर राज कर रहे हैं, नंबर 1 जो है वो बॉलर है टेस्ट का। बात करें हम पाकिस्तानी आवाम से, इस टाइम हमारे पास जो है पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो है वो बैडमिंटन, इंटरनेशनल जो है वो बैडमिंटन प्लेयर हमारे साथ, मुझे बात करती क्या कहेंगी मैम, इंडिया जो है वो नंबर 1 पे जो है वो राज कर रहा है, बॉलिंग में बात करें, फील्डिंग में बात करें, बैट्समैन में बात करें, कैप्टन की बात करें, जसप्रीत बुमराह के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ कि उसकी बॉलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और उसकी बॉलिंग है भी बहुत 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 फास्ट है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, इस वजह से मैं भी के उसके आगे कोई भी नहीं चल पा रहा, कोई टिक पा नहीं रहा, तो दैट्स द रीजन। तो कह सकते हैं कि इस टाइम थोड़ी सी बात है, कह सकते हैं कि इस टाइम जो है क्रिकेट की दुनिया के अंदर सबसे डेंजरस जो है वो जसप्रीत बुमराह है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो बहुत डेंजरस है। मैं कहती हूँ कि भाई उसकी बॉलिंग आई थिंक स्पिन फास्ट और उसकी बहुत ही सर्विंग उसकी बहुत अच्छी है, तो मैं उसकी फैन उसकी बॉलिंग की। अच्छा, उसके फैन जी जी। शुएब अख्तर ने जसप्रीत बुमराह के लिए बड़े शॉकिंग वर्ड्स बोले हैं, और जसप्रीत बुमराह के लिए शुएब अख्तर ने पाकिस्तानी बॉलर्स को ट्रोल कर दिया, मतलब बड़ी बात है यार, शुएब अख्तर उठा
और मतलब अच्छे अच्छे अल्फाज प्योर वर्ड्स बोले हैं शुएब अख्तर ने जसप्रीत बुमराह के लिए। और कोई भी फास्ट बॉलर जो फास्ट बॉलिंग की कला को जानता है उसको पता है कि बुमराह कितना बड़ा बॉलर, उसको पता है कि बुमराह क्या चीज है। शुएब अख्तर ने बोला कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ना वो बॉलर है, वो ग्रेटेस्ट बॉलर है जो सदियों में एक आधी दफा आते हैं। बुमराह के लेवल का कोई बॉलर नहीं है। जसप्रीत बुमराह वो तीनों फॉर्मेट का लेजेंड है, नाट के वनडे टेस्ट, वो तीनों फॉर्मेट का लेजेंड है, वो तीनों फॉर्मेट में मैच विनर है, वो तीनों फॉर्मेट में एक तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है। आज जसप्रीत बुमराह जो थे इंडिया के बॉलर, उनको नंबर वन जिसको कहते हैं राज में मिल गया, आईसीसी रैंकिंग के अंदर नंबर वन के ऊपर चलेंगे, तो दुल्हा साहब शॉकिंग तो नहीं है आपके लिए? नहीं, बुमराह का नंबर वन आना बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। देखें, बुमराह एक बड़ा जबरदस्त बॉलर है और वो डिजर्व भी करता रहा। जिस तरह का बुमराह बॉलर है वो यही पोजीशन डिजर्व करता है। और देख, आपको तो पता ही है भाई, उसको छक्का मारना बड़ा मुश्किल है, उसको 20 स्कोर बड़ी मुश्किल से पड़ता है कभी, शायद मेरा ख्याल है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि उसको 20 स्कोर लास्ट टाइम कब पड़ा होगा। मतलब कि बॉलर वो बहुत आउट क्लास है, तो मुझे लगता है कि बुमराह अच्छा हुआ कि बुमराह नंबर वन बॉलर है। आपने बड़ी अच्छी बात की, बुमराह को इस वक्त स्कोर नहीं पड़ता। अगर मैं याद करूं बुमराह को लास्ट टाइम कब मार पड़ी थी, मुझे खुद नहीं मैच याद आएगा, मुझे नहीं याद आता। सिर्फ एक ऐसा मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसके पहले ओवर के अंदर बुमराह को मेरा ख्याल है 3 चौके और 3 स्कोर, मतलब के 15 स्कोर पड़ गया था फाइनल। उसको 20 मुझे नहीं याद पड़ता कि उसको 20 से ऊपर स्कोर कब पड़ा था, वही ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है, यही उसको एक मैच होगा वर्ल्ड कप के फाइनल का पहला होगा। इसके अलावा मुझे नहीं याद आता टेस्ट और T20 हो, इस T20 वर्ल्ड कप में उसको मार पड़ी नहीं ना, बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप से तबाही। वही बात आती है ना, फिर ऐसे क्या खासियत है इस बॉलर के अंदर, ये इतने आपको बेस्ट बनाता है। देखो 150 की पेस नहीं है, या तो 150 की पेस हो, या जिससे कहते हैं ना मेगा, जो जिसना इंडिया का भुवनेश्वर कुमार का स्विंग मिलता होता था, वसीम अकरम का स्विंग होता था, नहीं इतना स्विंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना स्पेशल है। देखें वो स्पेशलिटी क्या है उसमें, यही तो चीज है। एक तो उसका जो रनअप है वो छोटा है, ये तो एक अलग चीज है, लेकिन उसका जो कहते हैं बॉलिंग एक्शन है वो बड़ा यूनिक और डिफरेंट है। और दूसरी एक जो मेन चीज है वो बॉडी टू बॉडी बॉल करता है। आपने उसको मुझे नहीं पर, आप मुझे खुद बताएं, मैंने कभी बुमराह को जो है ना बाहर एक्स्ट्रा बाहर या फिर वाइड फजूल किस्म की बॉल देते हुए मैंने नहीं देखा। मैंने देखा है वो पैड में मारता है, बॉडी में वो कोशिश करता है, वो ज्यादा ज्यादा बॉल को मारता है, वखियों में वो बॉल मारता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रीजन है कि उसको स्कोर कम से कम पड़ता है। उसकी लाइन और लेंथ जो है ना बुमराह की वो बहुत शानदार है। तीन फॉर्मेट है ना, आपका पहला बॉलर बुमराह होगा T20 में। आपने अगर पहला बॉलर चुनना ना तो आप बुमराह को चुनोगे। बुमराह को आज दोगे पैट कमिंस पे, बुमराह को आज दोगे मिचेल स्टार्क पे, बुमराह को आज दोगे रबाडा पे, सबको बुमराह पे आज दोगे। आपको टेस्ट में चाहिए तो आप बुमराह को चुनोगे, क्योंकि उस बंदे की क्लास है। सदियों में ऐसे बात रहते हैं, बुमराह को देख के मजा आता है। ये आप सब मानोगे, ये पाकिस्तानी भी मानोगे कि बुमराह ग्रेटेस्ट है। ये मानोगे आपके यार बुमराह एक डिफरेंट क्लास का बॉलर है, उसके आस पास नहीं आता कोई भी नहीं आता। ये शाहीन अफरीदी, ये फरीदी, ये सब अपने नाम के लिए, लेकिन घंटे के सारे नाम पास नहीं कोई आता। क्लास एक ही है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने क्या बॉलिंग करी है यार, मैं आपको बोल रहा था रात को वो सोच के आएगा, देखेगा ऐसी बॉलिंग करनी है वो, फिर उसने की 3 विकेटें जिस तरह से ली, 10 में से 5 ओवर मेडन किए यार। ये टेस्ट मैच क्रिकेट की क्लास है, बुमराह 10 में से 5 ओवर मेडन कर रहे हैं और टीम इंडिया ने अपनी इनिंग में, पिछली इनिंग में कोई मेडन ओवर खेला ही नहीं है। मतलब ये कैसा टेस्ट क्रिकेट है जहाँ कोई मेडन ओवर ही नहीं खेला जा रहा यार। पिछली इनिंग का शेयर स्टेट निकल गया है, आप सरप्राइजिंग चेक करो ना, कितने सरप्राइजिंग स्टेट हैं। बुमराह ने जो मुशफिकर रहीम के साथ किया एंड में ना, लंच की आखिरी बाल पे, लंच से पहले, मैं कहता हूँ वो तो कमाल ही था। वो उससे तो बांग्लादेश का जो है ना और ज़्यादा जो एक रेजिस्टेंस थी वो ख़त्म होगी। खैर वो छोटा अच्छा कैमियो खेला है बेचारा, जितना खेल सकता था। 3 विकेटें बुमराह की आई हैं। बुमराह जैसा बॉलर तो हम बात करते हैं भाई, ये वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये उन ग्रेट्स में शुमार हो चुका है बुमराह का। आप देखो कोई बॉलर उसके करीब करीब भी नहीं है। आप रबादा, स्टार्क, शाहीन को भी ले लो, नसीम को भी ले लो, कोई और भी, मतलब कि दुनिया में आप बॉलर्स ले लो कि भाई हाँ यार इस वक्त ये टॉप 10 बेस्ट बॉलर हैं, और फिर आप साथ बुमराह को रखो, मतलब वाज़ह डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्किल का डिफरेंस है, कंटिन्यूटी का डिफरेंस है कि भाई फॉर्म जा ही नहीं रही है। ये कैसा बॉलर है, आजकल स्टार के कवर में 28 पिल रहा है, बट बुमराह तो पिलता ही नहीं है। मतलब बुमराह तो मेडन पे मेडन ओवर करी जा रहा है, स्लोअर वन इसके पास है, टेस्ट का ये परफेक्ट बॉलर है, T20 का ये परफेक्ट बॉलर है। आप किसी भी फॉर्मेट में खिला दो यार, जो बुमराह ने आके एक बैलेंस क्रिएट किया है ना,